तो रियलमी का नार्जो 50, रेडमी का K50 गेमिंग एडिशन, या फिर कहो पोको F4 GT, पोको X4 प्रो, इसके अलावा वन प्लस का 10 प्रो, सैमसंग की S22 सीरीज, वीवो की V23 सीरीज, काफी कमाल के टेक अपडेट्स हैं आज की वीडियो में। तो पहले टेक अपडेट से स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दो, इससे आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे जल्दी मिल जाएंगे। तो मैं हूं आपका दोस्त मुकुल और आप देख रहे हो फनटेक बूम यूट्यूब चैनल। पहला टेक अपडेट बहुत बड़ा है यार कि गवर्नमेंट ने एक बार फिर से 54 चाइनीज ऐप्स को बैन कर दिया। हालांकि इसमें एक फ्री फायर बहुत बड़ी ऐप थी, जो सबसे बड़ी कह सकते हो, ये चाइनीज तो नहीं थी यार, बट कुछ ना कुछ कनेक्शंस थे और फ्री फायर मेरे को ऐसा लगता है वापस आ जाएगी। हालांकि बैन हो चुकी है, एप्पल स्टोर पर फ्री फायर मैक्स दोनों ही नहीं है, और ऐप स्टोर जो होता है एंड्रॉइड का उसमें से फ्री फायर हट गई है, फ्री फायर मैक्स अब भी है। हालांकि अगर आपके फोन में फ्री फायर या फ्री फायर मैक्स जो भी है अभी तक चल रही है या नहीं चल रही है, एक बार कमेंट बॉक्स में मेरे को बताना, क्योंकि मैं खेलता नहीं हूं इसलिए मेरे को पता नहीं है। इसके अलावा मीडियाटेक बहुत जल्दी मीडियाटेक डायमेंसिटी 8000 का सक्सेसर कह सकते हो लॉन्च करने वाला है, मीडियाटेक डायमेंसिटी 8100। हालांकि जो डायमेंसिटी 8000 और 9000 था उसमें से अभी तक भी कोई स्मार्टफोन हमें इंडिया में देखने को नहीं मिला है उस प्रोसेसर के साथ। और एक बहुत अच्छी खबर है यार, स्टारलिंक को लेकर तो अपडेट आ ही गया था, बहुत बुरी न्यूज थी कि यार स्टारलिंक इंडिया में शायद ही ना आए, रिफंड मिलना भी स्टार्ट हो गया था, लेकिन जियो की तरफ से आ रही है। जियो ने SES के साथ जॉइंट वेंचर पार्टनरशिप करी है, मतलब 51% जियो के पास है और 49% SES के साथ ब्रॉडबैंड के लिए, सैटेलाइट ब्रॉडबैंड जो होता है, तो इंडिया में हमें जियो की तरफ से भी सैटेलाइट ब्रॉडबैंड देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा रियलमी ने लॉन्च कर दी अपनी रियलमी 9 प्रो और प्रो प्लस। 9 प्रो शुरू होता है 18000 से और 9 प्रो प्लस होता है 25000 से। इसके अलावा HDFC कार्ड पे 2000 रुपए ऑफ मिल जाएगा पहली सेल में, और मेरे को एवरेज सी प्राइस लगी है, वैल्यू फॉर मनी तो बिल्कुल नहीं आना चाहूंगा, और ओवर प्राइस इसलिए नहीं कह रहा यार क्योंकि अब जो इस प्राइस पे जितने भी इंडिया में मार्केट में स्मार्टफोन है ना, मतलब लेने लायक है ये, ऐसा नहीं है बहुत ज़्यादा ओवर प्राइस है, बट ये कह सकता हूँ कि बिल्कुल परफेक्ट नहीं है अपने प्राइस के हिसाब से, क्योंकि 25000 मान लो रियलमी 9 प्रो प्लस, उस प्राइस पे हमें और भी ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, शॉमी 11 आई, आईक्यू जेड 5, रियलमी GT मास्टर एडिशन, तो यार काफ़ी सारे और भी ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, तो ये फ़ोन भी लेने लायक है और वो भी है। हालांकि मैंने अपने चैनल पे पोल डाला था तो लोगों को काफ़ी पसंद आया है, वोट में रियलमी 9 प्रो और प्रो प्लस ही जीत रहे थे प्राइस सेगमेंट के हिसाब से। इसके अलावा एक लॉन्च इवेंट खत्म हुआ नहीं कि रियलमी ने दूसरा लॉन्च इवेंट अनाउंस कर दिया कि 24 फरवरी को लॉन्च होने वाला है रियलमी का नार्जो 50। हालांकि इसकी फर्स्ट लुक भी सामने आ गई है, बिल्कुल 8 सीरीज जैसा लग रहा है, और यार जितनी मतलब स्पेसिफिकेशन वगैरह देखने में लग रही है ना, रियलमी 8i का ये रीब्रांडिंग वर्जन हो सकता है, क्योंकि नार्जो सीरीज कई बार नंबर सीरीज की रीब्रांडिंग होकर आती है, तो ये रियलमी 8i ही हो सकता है, बस रैम स्टोरेज ऑप्शन में थोड़े बहुत चेंजेस हो जाएंगे। इसके अलावा रियलमी की GT 2 सीरीज चाइना में तो लॉन्च हो ही गई थी और 28 फरवरी को ऑफिशियल लॉन्च डेट सामने आ गई है कि ग्लोबली लॉन्च होने वाली है, और इंडिया की लॉन्च डेट भी ज्यादा दूर नहीं है, काफी जल्दी मार्च में हमें ये इंडिया में भी देखने को मिल जाएगी रियलमी की GT 2 सीरीज। इसके अलावा रियलमी के C25 में अर्ली एक्सेस आउट हो चुका है एंड्रॉइड 12 रियलमी UI 3.0 का। मेरे रियलमी 6 प्रो में तो मेरे को दूर दूर तक चांसेस नहीं लग रहे हैं, यहाँ रियलमी ने सी सीरीज में भी दे दिया है, चलो अच्छी बात है। इसके अलावा रियलमी X7 मैक्स, रियलमी GT मास्टर एडिशन, GT नियो 2, रियलमी 8 प्रो, इसमें एंड्रॉइड 12 का बीटा वर्जन, ओपन बीटा वर्जन आउट हो चुका है। इसके अलावा जो रेडमी K50 सीरीज लॉन्च होने वाली थी ना 16 फरवरी को, सीरीज लॉन्च नहीं हुआ है, सिर्फ और सिर्फ रेडमी का K50 गेमिंग एडिशन लॉन्च हुआ है। पोको F4 GT बन के इंडिया में आ सकता है, 120Hz की AMOLED डिस्प्ले, स्नैपड्रैगन 8 जनरेशन 1, 4700mAh बैटरी, 120W फास्ट चार्जिंग, 64MP कैमरा, अराउंड 40,000 के अराउंड प्राइस होने वाली है, मतलब इंडिया में जब आएगा और महंगा हो सकता है, पोको F4 GT बन के आ सकता है। इसके अलावा पोको का जो इंडिया में फोन लॉन्च हो चुका है वो है पोको का M4 Pro 5G, ये बिल्कुल सेम स्मार्टफोन है रेडमी नोट 11T वाला, बट कम प्राइस पे आ गया है, काफी अच्छी बात है अगर नोट 11T लेने की सोच रहे थे तो। 15,000 से स्टार्ट हो जाता है डायमेंसिटी 810 के साथ, तो यार काफी सही लगा है फोन, ये नहीं कहूंगा बिल्कुल परफेक्ट है बट प्राइस सेगमेंट के हिसाब से काफी अच्छा है, बट जो बेस वेरियंट है वो 4+64GB से ही स्टार्ट होता है। इसके अलावा पोको का X4 Pro 5G ये बहुत जल्दी लॉन्च हो सकता है, इसके बॉक्स इमेजेस वगैरह सब बाहर आ गई है, और हालांकि इसी लॉन्च इवेंट में M4 वाले लॉन्च इवेंट में पोको ने टीज भी करा था लास्ट में, और जो पोको का X4 Pro होगा ना ये रेडमी नोट 11 प्रो 5G जो ग्लोबली गया था उसका रीब्रांडेड होकर आएगा, 120Hz AMOLED डिस्प्ले होगी, इसके अलावा इसमें हमें स्नैपड्रैगन 695 देखने को मिल जाएगा, 20,000 के नीचे ही प्राइसिंग होगी, और काफी कमाल का फोन ये भी हो सकता है क्योंकि वैसे तो रेडमी में भी ये स्मार्टफोन आएगा, तो देखते हैं कौन ज्यादा एग्रेसिव प्राइस रखेगा। इसके अलावा Asus ने अपना ROG फोन 5S और 5S Pro लॉन्च कर दिया, प्रो में बस इतना डिफरेंस है कि उसमें 18GB रैम और 512GB स्टोरेज देखने को मिल जाती है, और प्राइस की बात करूं तो 50,000 5S की और प्रो की है 80,000 तक। और मैं सच बोलूंगा जब से IQ आया है मेरे को Asus ROG सीरीज इतनी अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ गेमिंग के लिए आती थी, उसमें दो बहुत बड़ी कमी होती थी, कैमरा बिल्कुल एवरेज बिलो एवरेज कह सकते हो, और काफी भारी और बल्कि फोन होते थे, डिजाइन में इतने अच्छे नहीं लगते थे, लेकिन IQ ने ये कमी दूर कर दिया,
गेमिंग में भी बीस्ट, कैमरा में भी काफी तगड़ा करता है और डिजाइन भी काफी अच्छा खासा ले आता है। तो जब से आईक्यू आया मेरे को पर्सनली एसुस ROG सीरीज इतनी बेटर नहीं लगती है। इसके अलावा मोटरोला का एज X30 जो चाइना में गया था, इंडिया में आने वाला है मोटरोला X30 प्रो नाम से 24 फरवरी को, ये ऑलरेडी बता चुका हूँ। और डिटेल में स्पेसिफिकेशन वगैरह जानना चाहते हो तो आई बेटर में वीडियो का लिंक दे दूंगा, जाकर देख लेना। इसकी इंडिया की प्राइस लीक निकल के आई है कि 45,000 या फिर उससे भी ऊपर हो सकता है। अब प्राइस सेगमेंट के हिसाब से स्पेसिफिकेशन वगैरह तो ठीक देगा, बट ये देखने वाली बात होगी कि स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 के थर्मल कितने कंट्रोल कर पाएगा। इसके अलावा मोटरोला बहुत जल्दी 1 से 2 महीने में अपना एक बजट स्मार्टफोन लॉन्च कर सकता है जो कि 10,000 के नीचे आएगा, मोटरोला G22। अब देखते हैं, काफी अग्रेसिव हो सकता है, बट ऑलरेडी भी जो 10,000 के नीचे, अगर मैं अपने फेवरेट स्मार्टफोन्स की बात करूँ ना तो मोटरोला का E40 जो आता है वो मेरे को काफी अच्छा लगता है। इसके अलावा सैमसंग S22 सीरीज की इंडिया प्राइस भी रिवील कर दी है सैमसंग ने, S22, S22 प्लस, S22 अल्ट्रा की। और इससे बड़ी अच्छी बात यह है कि स्नैपड्रैगन के प्रोसेसर के साथ आए हैं, मतलब काफी अच्छा लगा सुन के। S22 की प्राइस की बात करूं तो बेस वेरिएंट की है 73,000 और अपर वेरिएंट की है 77,000। S22 प्लस की बात करूं तो 85,000 से 89,000 तक जाता है। और S22 अल्ट्रा जिसका बेस वेरिएंट 12 GB से स्टार्ट होता है 110,000 से 119,000 तक जाता है। इसके अलावा 23 फरवरी से प्री ऑर्डर आप कर सकते हो, अगर प्री ऑर्डर करोगे तो काफी सारे डिस्काउंट वगैरह और मतलब बर्ड्स पे वॉच पे आपको काफी सस्ते देखने को मिल सकते हैं। और अगर वैसे सेल पे ही लेना चाहते हो तो 11 मार्च से सेल पे जाने वाला है। इसके अलावा OnePlus ने लॉन्च कर दिया अपना OnePlus Nord CE2 24,000, बेस वेरिएंट की प्राइस रखी है 6+128 GB वाले की, Dimensity 900 प्रोसेसर है। इसके अलावा 65W की फास्ट चार्जिंग है, 4500 mAh बैटरी है, 64MP का OmniVision कैमरा है। और मेरे को सच बताऊं तो ये फोन बिल्कुल अच्छा नहीं लगा है, क्योंकि ऑलरेडी इस प्राइस पे काफी सारे ऑप्शन आते हैं जो कि इस फोन से अच्छे हैं। IQ Z5 ले लो, Realme GT मास्टर एडिशन ले लो, Samsung का M52 हो गया, या फिर Realme 9 Pro Plus, या फिर Xiaomi 11i, काफी सारे फोन है जो इस फोन से तो काफी बेटर हैं। इसके अलावा अपने टीवी भी लॉन्च करें हैं, TV Y1S और Y1S Edge, जिनकी स्टार्टिंग प्राइस स्टार्ट हो जाती है 16,500 से। और यार नोड, OnePlus का नोड CE2 5G, अगर ये नाम आपको बहुत लंबा लग रहा है ना तो थोड़े ही दिन बाद, मतलब थोड़े महीनों बाद कह सकते हो, OnePlus इससे भी लंबे नाम वाला फोन एक लॉन्च करने वाला है, OnePlus Nord 2 CE Lite 5G। हालांकि इसकी न्यूज दे चुका हूं, खैर छोड़ो, बट जो अगला OnePlus का फोन आने वाला है वो है OnePlus का 10 Pro। और इसकी जो लॉन्च डेट बाहर आ रही है, चाइना में तो ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है, मार्च में इंडिया में आने वाला है पता है, पर लॉन्च डेट लीक निकल के आ रही है कि 15 मार्च को इंडिया में लॉन्च हो सकता है। और ये बात तो आपको पता होगी, ओप्पो और OnePlus अब मतलब मिलजुल के उसको ओप्पो प्लस कह सकते हो चुके हैं, तो काफी सारी सिमिलैरिटीज देखने को मिलती है। तो ओप्पो ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया कि वो भी अब ला रहे हैं अपने Hasselblad वाले कैमरा जो OnePlus में देखने को मिलते हैं। और वो जो पहला फोन होगा ओप्पो का, वो होगा ओप्पो का Find X5 जो कि चाइना में लॉन्च होने वाला है 24 फरवरी को। और इसी लॉन्च इवेंट में 24 फरवरी को ही ओप्पो का पैड भी चाइना में लॉन्च होने वाला है। अब देखते हैं ये इंडिया में आएगा या नहीं आएगा, हालांकि स्नैपड्रैगन 870 के साथ आने वाला है। यार वैसे मी पैड 5 का वेट करते करते थक गए, बट अब वो इंडिया में शायद ही आएगा। इसके अलावा नथिंग ट्विटर पे टीज करना स्टार्ट कर चुका है कि उनका स्मार्टफोन भी आएगा, और ये भी बता दिया कि मतलब एंड्रॉइड 12 के साथ आएगा, क्वालकॉम के प्रोसेसर के साथ आएगा। अब यार काफी मैं तो एक्साइटमेंट रहूंगा, बाकी जो इनके स्मार्टफोन आएंगे मेरे को ऐसा लगता है कि फ्लैगशिप सीरीज के ही आएंगे, फ्लैगशिप स्मार्टफोन ही आएंगे, क्योंकि जो इनका TWS भी आया था वो एक फ्लैगशिप कह सकते हो, एक हायर प्राइस वाला कह सकते हो। तो देखते हैं नथिंग अपने स्मार्टफोन कब तक और कैसे लाएगा। इसके अलावा Vivo V23 सीरीज का Vivo V23e मैंने आपको बहुत पहले बता दिया था इस महीने लॉन्च होने वाला है, उसकी ऑफिशियल लॉन्च डेट बता दी है Vivo ने, 21 फरवरी होने वाली है। Dimensity 810 के साथ आएगा, 50MP का कैमरा, 44MP की सेल्फी, 44W चार्जिंग, अराउंड 4000mAh बैटरी, AMOLED डिस्प्ले होगी, और 25,000 के अराउंड प्राइस होगा। तो हाँ वही जैसे वी सीरीज रहती है ना कि यार कैमरा के लिए अच्छी बट ओवर प्राइस थोड़ी, ऐसे ही रहेगी। और वीवो का T1 जो लॉन्च हुआ था काफी कमाल का फोन था, लेकिन वीवो की तरफ से एक हिंट मिला है कि वीवो का T1 प्रो भी बहुत जल्दी आएगा, मतलब 2 महीने या फिर 3 महीने ये कह सकते हो कि काम कर रहा है, तो वीवो T1 प्रो भी देखने को मिलेगा। तो वीवो की टी सीरीज मेरे को तो काफी एक्साइटेड लगी है। हाँ काफी सारी जगह कॉस्ट कटिंग थी, बट यार काफी अच्छा फोन था। और 23 फरवरी को आईक्यू की 9 सीरीज लॉन्च होने वाली है, iQOO 9, 9 Pro, 9 SE, काफी पहले ही बता चुका हूँ, iQOO 9 SE के लिए वीडियो बना दी है, प्राइस स्पेसिफिकेशन सब कुछ बता दिया, सारी डिटेल्स सामने आ चुकी हैं, आई बटन में दे दूंगा, जाकर देख सकते हो। और iQOO 9, 9 Pro की वीडियो आपको मंडे ट्यूसडे देखने को मिल जाएगी, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रख लेना अगर नोटिफिकेशन चाहते हो तो। इसके अलावा iPhone 14 से रिलेटेड एक और लीक निकल के आया है, एक और रेंडर सामने आया कि इस बार iPhone 14 में हमें 8 GB रैम देखने को मिल सकती है। वैसे तो एप्पल ऑफिशियली कभी रैम बताता नहीं अपने स्मार्टफोन में कितनी है, बट यार 4 GB वाला ही इतना तगड़ा परफॉर्म करता है एप्पल का, तो यार iPhone 14 पहले भी जितने लीक आए थे कि टाइटेनियम बिल्ड होगा, 48MP कैमरा होगा, 8K तक वीडियो शूट होगी, नॉच हटा देगा, तो iPhone 14 मेरे को ऐसा लग रहा है
वगैरह बहुत मेजर अपग्रेड होने वाला है, जैसे M1 Max वाला MacBook थे। तो मैं काफी एक्साइटेड रहूंगा iPhone 14 के लिए, हालांकि हाँ खरीदने वाला नहीं हूँ, कुछ पता नहीं है कि उस टाइम तक क्या होता है, YouTube चैनल चलता है तो ठीक है। बट खत्म करते हैं आज की वीडियो यहीं पर। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत जाना, और डिस्क्रिप्शन में देगा लिंक से आप हमें इंस्टाग्राम और ट्विटर फॉलो कर सकते हो। दोस्तों अगर आपकी कोई वीडियो एडिट करे तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, मैं मिलूंगा आपसे जल्दी अपनी अगली वीडियो में। जब तक के लिए कीप वॉचिंग फनटेक बूम।